सर क्या हम बाइनरी वालों के जैसे काम कर सकते हैं? सर क्या हम वेस्टेज में सिर्फ दो लेग पे काम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो। जब मैं ये आंसर देता हूँ कि जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कर देता हूँ, तो वो गुणी लोग वापस से नेक्स्ट सवाल उनका रेडी रहता है कि सर जैसे आप बोल रहे हो तो अगर दो लेग पे ही हम काम करेंगे तो फिर आगे चल के तो साइड वॉल्यूम की हमें समस्या होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन आज इस वीडियो में उससे भी कैसे निपटना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा। शुरुआत आप सिर्फ दो लेग से करोगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिर्फ दो और दो लेग पे काम करके, और आने वाले समय में जब आपको साइड वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो उससे भी कैसे निपटोगे वो सारा कुछ मैं आज ये वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल भी अंत तक बने रहिएगा। किस तरीके से काम कर रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि हम शुरुआत से ही एक साथ बहुत लोगों से काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक या दो लेग को हम संभाल पाएंगे, तो सिर्फ दो लेग वाला प्लान बताया। हालांकि जब हमारा पुराना प्लान चल रहा था उस वक्त भी दो लेग वाला प्लान के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि अब प्लान में चेंज आ गया है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अगर शुरुआत आपकी दो लेग से करते हो और आगे चल के जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम निमेश जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। एक गुजारिश है, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारे लोगों ने कर लिया, जब मैं एनालिटिक्स में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि नॉन सब्सक्राइबर लोग भी काफी सारे हमारे चैनल के वीडियोस देखते हैं। तो आने वाले समय में अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बात की तो हम दो लेग से ही करेंगे काम शुरुआत, और हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल भी अब नए हो और आपने जस्ट वेस्टेज में शुरुआत की है, यहाँ पर आप अकेले हो, ठीक है। और हम हमारा स्टैंडर्ड 100 पीवी वाला ही बात करेंगे, क्योंकि देखो अब 100 पीवी करना बिल्कुल आसान हो गया है। आप अभी ये इसके ऊपर ये मत डिमांड करना, एक तो आदमी भी कम करने और पीवी भी कम करने तो दोनों पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं तो सालों साल तक आपका कोई तरक्की नहीं होगा। अब 100 पीवी कर ले तो मान लीजिए ये पहला महीना है, आपकी इनकम हो जाएगी 90 रुपीज, आप अकेले हो, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें दो लेग पे ही काम करना है। तो नेक्स्ट अगर दो लेग के हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट मंथ में हो गए और दो जन ऐड, और यहां पर 100-100 की बात करेंगे हम। अब देखो ये नेक्स्ट मंथ में आपका पूरा कितना हो गया, 300 पीवी हो गया। आप सभी को मालूम है कि जब हम 282 से ज्यादा पीवी एक महीने में कर लेते तो हमें फास्ट स्टार्ट 8% कहलाया जाता है। दैट मीन ये लोग 5% पे है, आपका लेवल जो है 8% पे है। तो ये केस में आप हो गए हो टोटल कितने लोग हो गए हो, 3 लोग हो गए हो, और 3 लोगों ने मिलकर 300 पीवी किया है। तो आपका परफॉर्मेंस बोनस और उनका परफॉर्मेंस बोनस वो सारा कुछ जो डिफरेंस कमीशन है वो आपको आएगा 324 रुपया, 324 रुपीज आपको आएगा, ठीक है। और यही पैटर्न अब हमको आगे भी चलानी है कि हमको तो सिर्फ दो लेग पे काम करना है, तो ये लोग भी मान लीजिए दो दो लेग पे ही काम करते हैं। अब ये केस में देखो दो लेग पे काम करेंगे तो ये भी लाएंगे दो, मतलब आप समझ लीजिए अभी मैं फिलहाल ये आपको बाइनरी वाला प्लान बता रहा हूं, ठीक है। अब हर एक लोग कितना करेंगे, 100-100 ही पीवी करेंगे, 100-100 पीवी का अगर हम काउंटिंग ले ले तो देखो 4 लोग नए आए हैं, 3 लोग आप पहले पुराने थे, अब हो गए हैं 7 लोग। अब देखो लेकिन इन्होंने ये महीने में अपना 300 पीवी का सर्कल पूरा कर लिया, दैट मीन्स ये लोग भी 8% पे, ये भी 8% पे। और आपका अगर लेवल की बात करें तो आपने पहले महीने में 100 किया था, दूसरे महीने में 300 किए थे, तो 100 और 300 मिलके होते 400, और तीसरे महीने में 700 पीवी और आए, मतलब 1400 पीवी आपका क्यूमुलेटिव पीवी का। तो ये केस में अगर आप देखो तो आपका लेवल भी है 8% और इनका लेवल भी है अभी 8% है। तो ये केस में आपको सिर्फ आपका जो है वो जो डिफरेंस कमीशन है वो जो आएगा 144 रुपीस आएगा, ठीक है, 144 रुपीस आएगा, और इनको आपके जैसे 324 रुपया मिलेगा, क्योंकि दोनों का लेवल जो है अब सेम है, एक महीना और आगे बढ़ेगा। देखिए जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा तो आगे की भी मैं आपको सूचना दूंगा को किस तरीके से काम करना है। अब देखो नेक्स्ट लेवल हम देख लेते हैं, यहां पर दो, यहां पर भी दो,
हर एक जगह पे हम दो दो लेग की ही बात करते हैं, ज्यादा लेग की बात ही नहीं करते हैं। अब 8 लोग और नए आ गए, पहले से 7 लोग थे, अब आप टोटल कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। और 15 लोग मिलके जो लाएंगे, कितने पीवी लाएंगे, 1500 पीवी लाएंगे। इनकम की बात करेंगे, 15 लोग लाएंगे टोटल मिलके 1500 पीवी। अब आप देखो, आपने जो है कंपनी का जो 2500 पीवी वर्क वाला स्लैब है जो 8% तक चलता है वो क्रॉस कर दिया है, ये लोग अभी भी 8% पे है और आपका लेवल हो गया है 12% हो गया है। तो ये केस में जो आपकी इनकम होगी वो होगी 1224 रुपया। देखो अभी तक आप ग्रॉस डायरेक्टर नहीं बने हो, आपका लेवल अभी भी 12% है। चलिए यहाँ पर लेवल भी लिखते जाते हैं साथ में, 5%, 8%, यहाँ पर भी 8% और यहाँ पर हो गए 12%। ठीक है, इनकम आप देखो 90 रुपया, 324 रुपया, 144 रुपया और 1224 रुपया। अब एक और चल जाते हैं, दो दो दो, यहाँ पर भी दो, हर एक के नीचे दो दो लेग की ही हम बात कर रहे हैं तो हम दो दो की ही बात करेंगे आगे। अब देखो ये लोग थे 8, 16 लोग और नए आ गए, मतलब 16 नए आए हैं, 15 लोग पहले से पुराने हैं। आपकी टोटल संख्या हो गई, टीम साइज हो गई 31 लोग, सिर्फ और सिर्फ 31 लोग में। अब आप देखो एक ही महीने में आए 2100 पीवी और पिछला और अगला महीने का जोड़ के भी आपने 5500 पीवी अब क्रॉस कर दिया। और वेस्टेज का प्लान क्या कहता है, अगर क्यूमुलेटिवली अगर आप 5500 पीवी क्रॉस कर लेते हो और आपका पर्टिकुलर एक महीने में 2000 पीवी से ज्यादा हो जाता है, 2001 या उससे ज्यादा, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर माने जाते हो। और 2600 पीवी से ज्यादा हो गया तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के साथ साथ आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर में आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। और डिफरेंस कमीशन की अगर बात करें तो अब ये जो लोग आपने जोड़े थे शुरुआत में उनका लेवल अब है 12% और आपका लेवल है 16%, तो वो दोनों के बीच में का जो 4% डिफरेंस कमीशन है वो भी आपको आएगा। तो ये टोटल इनकम हो जाती है 7972 एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 31 लोगों में, उसमें से एक आप है और 30 लोग और आए हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई, ये तो एकदम सिंपल इक्वेशन था। अगर हम दो लोगों पे काम करेंगे तो इस तरीके से आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर हम ये इनकम पे पहुंच सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट मंथ में ये होगा कि जिस तरीके से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हो अब ये लोग भी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे। अगर सेम पैटर्न पे ही काम चालू रहा तो ये लोग भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, मतलब कि आपके नीचे दो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। तो दैट मींस अगर आपको क्वालिफिकेशन पाना है, नॉन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं करवाना है और दो क्वालिफाइड डायरेक्टर अगर नीचे, तो आपको बनना, आप बनोगे बाय डिफॉल्ट गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर के लिए आपको कितने की साइड वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 1500 पीवी की आपको साइड में जरूरत पड़ेगी, मतलब कि ये जो 15 लोग हैं और साइड में आप तो एक तो हो ही हो, और 14 लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर 2-3 संभावना अब मैं आपको बता देता हूँ जो बाइनरी में भी होता है, ठीक यहाँ पर भी ये पूरी संभावना है कि हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर टेंशन आएगा भी तो आपको 1 या 2 महीने के लिए टेंशन आएगा। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, जब हम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और बाइनरी वाले भी जब इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, उनका तो प्लान ही 2 लेग का है, तो आप सभी को मालूम है कि कभी भी दोनों लेग सिमिलर कभी भी किसी का काम नहीं करता है, कोई छोटा काम करता है कोई बड़ा काम करता है। अब ये 2100 पीवी जो आए, दैट मींस अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो ये लेग से आपको 1500 पीवी आए हैं, ये लेग से 1500 पीवी आए हैं और आपने खुद के किए हैं 100 पीवी। मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ में या शुरू से की अगर बात करें तो कोई एक वीकर लेग होगा, एक आपका स्ट्रांग लेग होगा। तो ये केस में मान लीजिए कि एक लेग आपका क्वालिफाई हो गया है और दूसरा लेग अभी भी वो पैटर्न पे थोड़ा ऊपर नीचे काम कर रहा है, तो मे बी पॉसिबल है कि 1500 के जगह पे यहाँ से कम 1000-1200 पीवी आपको आते रहेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा, तो मतलब वो केस में आपको बनना पड़ेगा सिल्वर डायरेक्टर और आपको साइड वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी 1800 पीवी की, और उसमें से 1000-1200 पीवी तो यहाँ से आ रहे हैं,
तो आपको थोड़ा और स्ट्रेस लेने की जरूरत पड़ेगी, पूरा के पूरे 1800 पीवी के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई कि ये एक संभावना के, अगर दोनों लोग साथ में काम नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा ही साइड वॉल्यूम लाने की जरूरत पड़ेगी, पूरा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, उसके नेक्स्ट मंथ में भी अगर हम बात करेंगे, तो ये जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, तो ऐसे ये लोग भी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, तो ये केस में इनका लेवल भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा, आपका लेवल भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा, और आपके ऊपर वाले जो है वो अगर क्वालिफाई है तो उनको सारे जो बेनिफिट्स है वो ऊपर चले जाएगा। बात वहीं पर वापस अटक के आती है कि अगर ये चारों जन सेम काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ पीवी आपको साइड वॉल्यूम में भी मिलते रहेंगे, और आपको पूरे का पूरा साइड वॉल्यूम करने की पूरे मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये दोनों संभावना मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बस यही भरोसे पे बैठे रहो। अगर ये भरोसे पे बैठे रहोगे, और मे भी पॉसिबल है कि दोनों लोग ने अच्छा काम कर लिया और आप जिंदगी भर नॉन क्वालिफाई रहोगे, ये तो शुरुआत मैंने आपको बताई है कि अगर शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा लोगों से काम नहीं कर सकते, उसे दो लोगों से काम करना है, तो इस तरीके से एटलीस्ट आप एक थोड़ी बहुत हेल्दी इनकम पे तो पहुंच जाओगे। और यहां तक पहुंचते पहुंचते अब आपके अंदर थोड़ी बहुत मैच्योरिटी भी आ गई है। मे भी पॉसिबल है कि ये प्रोसेस करते करते आपने कुछ एक दो लैग और ओपन कर लिए हैं। अगर नहीं भी हुए है, सिर्फ दो लैग पे आपने काम किया है, तो आपको सिर्फ दो महीना सिर्फ ये अलग से साइकिल और चलानी पड़ेगी, मतलब जो आपने शुरुआत की थी दो के नीचे वापस से दो, तो ऐसी दो डाउनलाइन उसके बाद अगर आपने चालू कर दी और इनके नीचे दो और ये दोनों के नीचे भी अगर दो दो की अगर बात करें, तो ये अब हो जाते हैं 15 लोगों की टीम वापस से खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो ये जब 15 लोगों की टीम अलग से वापस से आपकी खड़ी हो जाएगी, तो आपका साइड वॉल्यूम वापस से होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके अंदर मैच्योरिटी है, तो साइड वॉल्यूम को लेके इतना हवा मत करिए कि हमारा तो किस तरीके से होगा। तो आप पहले दो लोग पे भी अगर फोकस करोगे, मे भी पॉसिबल है कि एक आध महीना दो महीना आपको शायद आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह जाओ। अगर शुरू से, मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि शुरू से ही 6 लेग पे ही काम करना चाहिए, ताकि जिंदगी भर कभी भी हमें साइड वॉल्यूम का टेंशन ना आए। लेकिन ये वीडियो खास उनके लिए बनाई कि जिनको ऐसा लगता है कि शुरू से हम इतने लोगों से काम नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, आप थोड़े मैच्योर हो जाओ, थोड़ी बहुत इनकम पालो, और उसके बाद जब आपके पास प्रैक्टिस भी आ गई है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया, उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरे 6 लोग खोलो और 2 लेग ओपन कर लीजिए। अब जब 4 लेग आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट बन जाओगे डायमंड डायरेक्टर, और आपको इनकम इतनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जब होगा तब तक ये लेग भी, ये जो शुरू के 2 लेग है वो काफी डेप्थ तक चले गए रहेंगे, आपको एलओवी भी आनी स्टार्ट हो गई रहेगी। तो 500 पीवी करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, एक या दो जन में ही आप 500 पीवी करोगे, आपका खुद का ही 200-300 पीवी का परचेसिंग हो जाएगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और 6 लोग में तो वैसे ही आपको कोई साइड वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो जो डाउनलाइन अभी भी आपको बार बार ये फोन करके परेशान करती है कि सर वो दूसरे लोगों की कंपनी में तो ये सब टेंशन नहीं होता है, साइड वॉल्यूम नहीं होता है, तो दोस्तों बाइनरी में भी पेयर मैचिंग करनी पड़ती है। अगर पेयर मैचिंग नहीं की तो वहां पर भी इनकम नहीं आता है, बट यहाँ पर तो एक अच्छी बात है कि आप 2 लेग पे भी काम करोगे तो आपका हर एक पीवी जो किया है वो हर एक का बेनिफिट आपको इस तरीके से मिलता है, एक भी पीवी आपका डूबता नहीं है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ उसके बाद 2 बाकी के 2 लेग ओपन कर लो, और प्रोसेस कितना है, 2 ही महीने का और है, 2 महीना और काम कर लीजिए, शायद 1-8 महीना आप नॉन क्वालिफाई रह जाओगे, लेकिन उसके बाद के महीने से आपको जो इनकम आएगी एज ए गोल्ड डायरेक्टर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और गोल्ड डायरेक्टर में भी आप सभी को मालूम है और 2 टीम बिल्डिंग के साथ आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, हालांकि सिल्वर से ही ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तकरीबन ये काम 1 महीना अटक के अगर दूसरा महीना नॉन क्वालिफाई रह के भी उसके बाद के महीने भी आपने गोल्ड क्वालिफाई कर लिया, तो कम से कम 25,000 से 30,000 की इनकम पे आप आसानी से पहुंच जाओगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन में शेयर करिए। फिर से एक बार कहूंगा कि जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।